भाई दिलजीत दोसांझ और परिणीति की चमकीला यानी अमर सिंह चमकीला क्या चमक रही है ओटीटी पर। आई मीन देखने वाले मोहित हो रहे हैं। नाउ यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इम्तियाज अली कि जब भी वो कुछ बनाते हैं, ऐसा क्रिएट करते हैं, तो वो मैजिकल होता है। ऐसे में चलिए इम्तियाज अली के साथ एक खास मुलाकात तो बनती है। भाई दिलजीत दोसांझ और परिणीति की चमकीला यानी अमर सिंह चमकीला क्या चमक रही है ओटीटी पर। आई मीन देखने वाले मोहित हो रहे हैं। नाउ यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इम्तियाज अली कि जब भी वो कुछ बनाते हैं, ऐसा क्रिएट करते हैं, तो वो मैजिकल होता है। ऐसे में चलिए इम्तियाज अली के साथ एक खास मुलाकात तो बनती है। मुझे लगता है कि संगीत की अपनी एक भाषा होती है। इनकी जिंदगी के बारे में जैसे जैसे पता चला तो मुझे लगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत अहम है। यार ये आर्टिस्ट बहुत बड़ा है, अच्छा कलाकार है, पर चमकीला अपना है। उनकी जो भाषा थी ना, उनका जो तरीका था, उनको वो कला आती थी कि किस तरह से लोगों के दिलों में तक आप पहुंच सकते हो। ऑब्वियसली किसी को मार डालना गलत है, कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, किसी को हक नहीं है ऐसा करने का। जनता ने सजा दी तो मैं ये कहता हूँ कि उसी जनता ने इनको पॉपुलर भी तो बनाया था ना। पर दूसरी बात कि जज करना कितना आसान होता है हमारे लिए। अमर सिंह चमकीला जो पंजाब का एक ऐसा गायक जो डबल मीनिंग गाने गाने के लिए जाना जाता था, जिसे हिंदी में द्विअर्थी गाने कहते हैं हम, उस पर आपने फिल्म बनाने के बारे में कैसे सोचा? वैसे देखा जाए मैंने कभी किसी की जिंदगी पर आधारित फिल्म बनाई नहीं है, ये पहली दफा था। और इसमें भी मैं ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था कि ये बायोपिक बनाऊं, मगर हुआ ये कि इनकी जिंदगी के बारे में जैसे जैसे पता चला तो मुझे लगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत अहम है। जैसे कि ये, जैसे आपने कहा कि ये डबल मीनिंग गाने गाते थे तो इनको जनता ने सजा दी, तो मैं ये कहता हूं कि उसी जनता ने इनको पॉपुलर भी तो बनाया था ना। तो ये किस तरह का एक दो मुहा हिपोक्रेसी है ना सोसाइटी की, कि आप एक किसी आदमी को इतना चढ़ाओ कि भाई लार्जेस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट हो, फिर मगर आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा उन्हीं गानों की वजह से। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बात लगी थी। और मोर देन दैट, इट्स नॉट ओनली दैट, ऑब्वियसली किसी को मार डालना गलत है, आपको कोई भी अनुशासन, कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, किसी को हक नहीं है ऐसा करने का, ये तो खैर आम बात है। बट दूसरी बात कि जज करना कितना आसान होता है हमारे लिए। चमकीला की बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग थी और जिन्होंने उनको पॉपुलर बनाया, डबल मीनिंग गाने या थोड़े से बोल्ड गाने उस समय बहुत सारे आर्टिस्ट बनाते थे। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट के गानों में कुछ ना कुछ इस तरह का होता था। चमकीला इस फिल्म में ये डायलॉग बोलते भी है कि हाँ, बाकी आर्टिस्ट भी तो ये सब गा रहे हैं, फिर मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। करेक्ट, मगर उनके उनकी जो भाषा थी ना, उनका जो तरीका था, उनको वो कला आती थी कि किस तरह से लोगों के दिलों में तक आप पहुंच सकते हो, या ऐसी किस तरह से अपनी बात रखो कि लोगों को उसका मजा आए। यही तो उनकी आर्टिस्ट्री थी, गाने में या लफ्जों को लिखने में जिस तरह से उन्होंने पेश की चीजें तो लोगों को बहुत पसंद आई, वो पॉपुलर हुई। तो उसमें उसके कारण थे, एक तो ये था कि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ठेठ पंजाबी थी, ऐसी पंजाबी जो रूटेड पंजाबी थी, वो पंजाबी जो जनता थी पंजाब की जिसको वो अपनी लगी, अपनी माँ की भाषा लगी, अपने घर की भाषा लगी, वो फ्रेजेस जो वो सुनते हैं या सुना करते थे, वो सिमिलीज जो वहाँ यूज होती हैं और गायब होती जा रही हैं, जो उनकी माएँ कहा करती थी, वो सिमिलीज, वो जो लैंग्वेज थी, ठेठपना जिसको हम बोलते हैं, हाँ, और जो लूज भी हो रही थी, जो चली जा रही है, उस तरह से उन्होंने लिखा, उस भाषा में उन्होंने लिखा जो दूसरे नहीं लिखते थे। दूसरे आर्टिस्ट लिखते थे थोड़ा सा सो कॉल्ड रिफाइंड भाषा में, थोड़ा शहरीपना उनके अंदर आ जाता था, सोफिस्टिकेटेड आ जाता था, तो लोगों को लगता था हाँ यार गाना अच्छा मगर मेरा नहीं है। उसी तरह से चमकीला के बारे में या दूसरे आर्टिस्ट के बारे में लगता था, आपने वो भी सीक्वेंस देखा होगा कि यार ये आर्टिस्ट बहुत बड़ा है, अच्छा कलाकार है, बट चमकीला अपना है। एक सीन भी बहुत अच्छा मुझे लगा, ठंडी रोटी होती है तो चमकीला बोलते हैं यार मैं कौन हूँ, पता है तुझे, चमकीला हूँ, मैं ठंडी रोटी खाऊंगा, गरम लेके आ। फिर जब वो गरम रोटी लेने जाता है तो उसे कहता है कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तो फिर वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये तो मजाक कर रहा था, ये सच में नाराज नहीं है मुझ पर, तो वो उसकी ह्यूमिलिटी को दिखाता है। और ये किस्सा दरअसल हुआ था,
यही शब्द बोले गए थे, यही चीजें हुई थी, और जो जिस आदमी ने उनको रोटी दी थी दरअसल उसने मुझे ये बात बताई है। अब अगर पंजाब में मैसमपुर में जहाँ ये घटना घटी थी लोगों से पूछें तो वो आपको बताएंगे, लोगों को पता है ये बात। तो ये भी एक बहुत खूबी है कि दरअसल ये चीज ऐसे ही बोली गई थी जो मैंने डिपिक्ट किया, मैंने अपने मन से लिख के नहीं किया। सबसे दिलचस्प इंसान कौन मिला रिसर्च के दौरान आपको? सबसे दिलचस्प इंसान का नाम है केसर सिंह टिक्की। ये रोल अंजुम बत्रा प्ले करते हैं इस फिल्म में। टिक्की जो है वो उनका पहला साथी था चमकीले का म्यूजिक की दुनिया में। उसने इनको हेल्प भी, चमकीला को बहुत हेल्प भी किया था, शिंदा से मिलाया था, उसकी जिंदगी आगे बढ़ाई थी। और बाद वही शख्स जो शुरू में कहानी सुना रहा है कि मैंने बनाया था चमकीला को, उसी की बात कर रहे हैं जी। तो वो सबसे इंटरेस्टिंग आदमी मुझे लगा क्योंकि वो नरेट करते हुए, आज 36 साल हो गए चमकीले को गुजरे हुए, बट नरेट करते हुए टिक्की ने मुझे बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा आदमी मुझे बताएगा। और बोलते बोलते वो चमकीले पे गुस्सा भी होता है, वो चमकीले को गाली भी निकालता है, और वो चमकीले की वजह से उसके आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि वो चला गया, छोड़ के चला गया। आज भी 36 नहीं, वो नहीं कि वो गुजर गया। और फिर वो ये भी कहता है कि मेरी बद्दुआ से मरा है चमकीला, और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं बोलते हुए। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने मुझे बहुत ट्रूथफुली बहुत सी इंसाइटफुल चीजें बताई अपनी जिंदगी, मतलब चमकीला की अर्ली जिंदगी के बारे में और बाद के बारे में भी। ए आर रहमान बहुत मुझे एक अनयूजुअल सी चॉइस लगे, हालांकि बहुत अच्छा उन्होंने म्यूजिक दिया है। साउथ से बिलोंग करते हैं, हिंदी में तो काफी काम किया है, लेकिन पंजाबी गानों की जो तासीर होती है वो कुछ अलग ही होती है। इरशाद कामिल के साथ उनकी जोड़ी तो है ही, उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे। कैसे आपने डिसाइड किया कि ए आर रहमान एक बेस्ट चॉइस है संगीतकार के तौर पर? मुझे लगता है कि संगीत की अपनी एक भाषा होती है। एक रीजन का होना आपको उस रीजन के संगीत में अच्छा होने की गारंटी नहीं देता। हो सकता है कि आप बंगाली हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप अच्छे बंगाली म्यूजिशियन हो। म्यूजिक की अपनी भाषा होती है, और मुझे लगा कि इस फिल्म में खास करके मुझे एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए जो म्यूजिक बहुत बेहतर जानता हो किसी और से, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें बहुत म्यूजिक रहने वाली है। दूसरी बात यह है कि मैं जानता था कि, और मैं काफी, बिकॉज हमने रहमान सर के साथ कुछ पंजाब ओरिएंटेड गाने पहले भी बनाए हैं, तो हमारा डिस्कशन होता रहा है, और उनको हमेशा हमेशा नहीं मगर अभी लेटली उनको भी काफी ख्वाहिश थी कि मैं एक पंजाबी एल्बम करूं, एक पंजाबी गाने बनाऊं, ताकि मुझे भी उस साउंडस्केप में खेलने का मौका मिले, डिस्कवर करने का मौका मिले। तो नुसरत फतेह अली खान और दूसरे आर्टिस्ट्स की वजह से वो पंजाबी म्यूजिक में इंटरेस्टेड भी थे, या उनका एक ओरिएंटेशन था। तो मुझे लगा कि रहमान सर से ही बोलने में सबसे अच्छा रहेगा, बिकॉज मुझे मालूम था कि वो जिस तरह से गाने बनाएंगे ना, वो पंजाबी होते हुए भी उनमें कोई खास बात होगी, कोई एक्स्ट्रा बात होगी, जिसकी वजह से उन्हें कई बार सुना जाएगा। एक बात मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी इस फिल्म में कि जो आर्टिस्ट है चमकीला है, उनकी जो पत्नी है अमरजोत, वो स्टेज पर लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ गाने ऐसे भी हैं जो प्लेबैक में चलते हैं। ये एक अलग, अपने तरह का एक अलग यूनिक आइडिया है। मुझे तो याद नहीं है कि लास्ट कब हिंदी फिल्मों में हमने लाइव सिंगिंग को इस्तेमाल किया है, मगर इस फिल्म में हमने किया, उसके लिए रिसर्च किया, थोड़ा टेक्निकल जो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं रिकॉर्डिंग और माइकिंग वाले, वो सब सॉल्व किए। मगर सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास थी दिलजीत, जो लाइव गा सकते थे, और जो उन्होंने गाया है वहाँ पे, जो हम देख रहे हैं कि वो गा रहे हैं किसी अखाड़े में, वही वाला साउंड आप फिल्म में फाइनली सुनते हैं। वो किसी प्रोसेस से वैसे नहीं गुजरा, ऐसा नहीं कि उसको रिप्लेस किया गया, ऐसा नहीं कि उन्होंने माइम किया है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, और जब जो जनता देख रही है वो हमारा अभी का रिकॉर्ड किया हुआ साउंड देख रही है, उसी तरह से उनकी लाइव गायकी ही लोग पिक्चर में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।